गोवर्धन तहसील के गांव मेहमतपुर के नाथ समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मगर प्रशासन के अधिकारियों के कान पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी। जी हम आपको बताते चलें कि नाथ समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये अपने परिवार के साथ झोंपड़ियों में रहते हैं। ये झोंपड़ियाँ भी किसी और की जगह में बनी हुई हैं, अर्थात इनके पास रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है तथा सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से इनको वंचित किया हुआ है। जब इसने मीडिया की टीम से बात की तो ये अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि इनका जीवन यहाँ पर रहते हुए निकल चुका है, मगर सरकार से मिलने वाली पानी, बिजली, आवास और शौचालय आदि सुविधाओं में से उसे कोई भी सुविधा नहीं दी गई। जब ये लोग ग्राम प्रधान से मिलते हैं तो वो आश्वासन देकर इनको लौटा देता है। अब देखना ये है कि क्या इनको ये सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर इनका जीवन यूं ही संघर्षों में चलता रहेगा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से? कहाँ के रहने वाले? मेहमानपुर के रहने। आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी हो, क्या कारण है, किस मांगों को लेके आप यहाँ? देखो साहब, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी ढोते ढोते घोड़े टूट गए साहब, गैया भैंस मर गई हमारी, कोई सुनाई नहीं करता है, प्रधान भी नहीं करता। 8 दिन हो गए बैठे बैठे हमें, जहाँ प्रधान से मिले, प्रधान क्या कहता है? प्रधान भी कुछ नहीं करता, प्रधान भी ऐसा ही है। और अधिकारी वगैरह किसी से ऊपर मिले? खूब मिले हैं साहब, सब दब जाते हैं, कागज दाब देते हैं, करते हैं, दाब देते हैं। अभी तो कोई नहीं आया आपके पास? कोई नहीं आया साहब हमारे पास, अधिकारी नहीं आया कोई। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे ही सो जाते हैं बेचारे, रोए गाय के नहीं, ना मकान है, ना कोई बिजली है, ना पानी है। मेरा नाम दिलीप नाथ है। दिलीप जी, आप ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कारण? कारण किस मांग को लेके आप? कारण ये है जी, अब इसी गांव में बुड्ढे हुए गए, अधिकारी लोग आते हैं, कॉलम पूरी करके चले जाते हैं कि होगा होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना पानी है, ना बिजली है, ना मकान है, ये झोंपड़ी पड़ी हुई है, बच्चे भीजते हैं, खाना भी नहीं बन पाता है, किसी किसी टाइम भूखे ही सो जाते हैं। कौन सा गांव है ये, कहाँ के रहने? ये गांव मेहमतपुर है जी। तो आप किसी अधिकारी कहीं आप मिले किसी से? बहुत अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पे ऐसे ही वोटों के चक्कर में कि बाबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मुड़ के कोई देखता ही नहीं। प्रधान ने यहाँ पे कोई, आप प्रधान से मिले, उसने कोई समस्या नहीं? वो सुनता ही नहीं है, ये कहता है हाँ 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 देखेंगे देखेंगे, आज तक कुछ भी नहीं देखा प्रधान। वोटों के टाइम कभी कभी बच्चे भूखे ही सो जाते हैं।